सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लगातार जल स्तर में हो रही गिरावट को रोकने व घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में व नदी का पानी नदी में रखने की मांग को लेकर स्थानीय समाहरणालय के नजदीक प्रगतिशील मगही समाज ने एक दिनी धरना दिया। धरने में समाज से लगभग एक दर्जन लोग शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए मगही समाज के लोगों ने कहा कि आज पूरा विश्व पानी की घोर किल्लत से परेशान है, इसलिए जरूरत इस बात का है कि वर्षा जल को कैसे बचाया जाए ताकि तेज गति से नीचे जा रहे जल स्तर को रोका जा सके। वक्ताओं ने आगे सरकार से जल्द इस दिशा में पहल करने की मांग की है। धरना के माध्यम से मगध ही ना मगध समेत भारत के अलावा पूरा विश्व में जो आज जल संकट के अभाव हो रहे हैं, जमीन के जल स्तर नीचे गिर रहे हैं, एकर कारण और निदान प्रस्तुत करे वास्ते सरकार के ध्यान रखे करेला आज एक धरना। जल संकट के मूल कारण है प्रकृति के साथ हम समन्वय बना के ना चली, प्रकृति के साथ संतुलन बना के ना चली, प्रकृति के संतुलन के हम एक तरफा दोहन व्यक्तिगत स्वार्थ दलगत स्वार्थ वास्ते कैली, जरा चलते आज जंगल कट गए, नदी के दुर्दशा बिगड़ गए, नदी के जो मौलिक संरचना है, नदी के किनारे जो पेड़ हुआ है, जो जल संचय रुक करके वर्षा के बाद जल में नदी में पानी दे रहा, नदी सदाबा रहा, इस संरचना बिगाड़ दिली, परिणाम स्वरूप वर्षा आकृष्ट करे वाला जो बादल आकृष्ट करे वाला पेड़ है वह कट गए, न तो हम बादल के आकृष्ट करके पानी बरसावे में सक्षम नहीं आज विज्ञान के युग में, क्योंकि विज्ञान तब तक वरदान साबित हुआ है जब वो सभ्यता के साथ चले है, सभ्यता की अनदेखी करके विज्ञान अभिशाप के रूप ले लवे है। आज विज्ञान के प्रगति ये वृक्ष जंगल के डिफोरेशन कारण विज्ञान आज अभिशाप बन गए, जरा चलते आज जल संकट हम आगाह कर रही अपन धरना के माध्यम से सरकार के कि अधिक से अधिक वृक्ष लगावल जाए, बादल के आकृष्ट करे वाला और जल संचय सिमल और कहुआ में इतना क्षमता है कि पानी के अपना अंदर छिमट लेव है, वर्षा के बाद छोड़ है, धीरे धीरे छदा बह रहा है नदी में, आज कटाव हो गए, वैसा वैसा पेड़ लगावल जाए, साथ ही नदी के उद्गम स्थल जल मैदानी स्थल पर एक एक किलोमीटर की दूरी पर चेकडम बना के लिफ्ट और शिफ्ट इरीगेशन से अधिक से अधिक तालाब खोल के पानी के संग्रह कर जाए। यदि एकमात्र प्रकृति हमारा पानी के माध्यम जल के माध्यम से समय असमय वर्षा के पानी दे देवे है, ओकर संचय के व्यवस्था हम कर ली तो जल संकट ऊपर भी बैलेंस रहत, नीचे भी बैलेंस रहत, हम खुशहाल रह।